कुल मिलाकर अच्छी शुरुआत है मार्केट की है। निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, सॉरी बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, सॉरी बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, मुंह से निफ्टी निकला तो हो सकता है निफ्टी भी हो जाए, लेकिन ये सेक्टोरल ब्रेथ इस समय सारे सेक्टर्स ग्रीन में। अब मैं एक व्यू लेकर चल रहा हूँ, मार्केट में करेक्शन खत्म हुई 8 अगस्त को, मैंने पहली बार ये व्यू लिया था कि हम इसी महीने ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, वो भी मैंने कंसिस्टेंटली मेंटेन रखा और मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ उसको। इस मार्केट ने अब अगर ये सब ठीक हुआ तो एक चांसेस है, आपने एक डबल बॉटम बनाया और मार्केट अब तैयार है ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए। एक अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजारों ने आज पकड़ा, 400 पॉइंट ऊपर निफ्टी 50 जाकर बंद हो रहा है 24,500 के ऊपर। तो ये है बाजार में हमारे अनुज सिंघल की प्रोडिक्शन। अनुज आज 25,000 बोलिए ना। गुड मॉर्निंग। नहीं एक्चुअली मैं बताऊं, वो ये मैं तो खैर ये सब भूल गया था, वो फ्राइडे को मैं अपना इंस्टाग्राम खोला तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने फ्राइडे को मॉर्निंग में ये बात बोली थी कि 400 पॉइंट ऊपर का मूव निकला 400 ऊपर हो जाएगा। मुझे क्लोजिंग तो वो बात एक्चुअली याद भी नहीं थी, लेकिन वो वाकई में जब 400 पॉइंट ऊपर हुआ तो मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही निकली। फिर मुझे एक चीज़ मेरे गुरु कहते थे कि हमेशा आपको अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि माँ सरस्वती आपकी जुबान पर एक बार बैठती है दिन में हर किसी के साथ, तो इसके लिए कभी ना कभी एक ऐसी चीज़ होती है जो आप बोलते हो तो वो सच हो जाती है। तो वो उस समय मतलब वो बाई चांस की बात थी कि वो उस समय हुआ होगा कि 400 पॉइंट मांगे निफ्टी पर, क्योंकि निफ्टी 200 ऊपर खुला था, बैंक निफ्टी 400 खुला था, मैं कहा कि चलो मुंह से निफ्टी निकला तो निफ्टी भी 400 हो जाएगा, और वो वाकई में निफ्टी 400 हो गया, तो इसके लिए थोड़ी सी उस चीज़ की खुशी हुई। वैसे आई थिंक हम रोज ये शो कर रहे हैं, एक व्यू कंसिस्टेंट रहा है कि जब तक अगस्त के लो बचे हुए हैं डिप पे बाय करिए और थोड़ा सा हिम्मत रखिए, ये मार्केट आपको ऑल टाइम हाईज दिखाएगा। आई थिंक फ्राइडे को उन लोगों को बहुत मुनाफा होगा जिन लोगों ने अपनी ट्रेड्स बना के रखी थी इस मार्केट में और पैनिक नहीं हो गए थे। अब क्या करना है, जो मैं व्यू लेके चल रहा हूँ कि मार्केट में ऑल टाइम हाई, हाँ हो सकता है आज एक बार के लिए इंट्राडे में मार्केट आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, वो जो मैं ट्रेड सेटअप पर आऊँगा तब उसकी बात करूँगा, लेकिन मार्केट ने एक टेस्ट पास किया। फ्राइडे को हमारी सुबह सुबह बात हुई थी कि मार्केट के टेक्स्चर का टेस्ट होगा, मार्केट ने वो टेस्ट पास किया और अब नए हाई के लिए मार्केट तैयार है। 20 डेमा को मार्केट ने पहले रिजेक्ट किया, नीचे आया, फिर उसके बाद जो सेकंड राउंड में जो बाइंग आई उसमें उसके ऊपर ना सिर्फ निकला बल्कि उसके ऊपर करीब 100 पॉइंट का कुशन बनाकर बंद हुआ, और अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो और 70-80 पॉइंट्स में आप ऐड कर दीजिए। तो एक बार के लिए मानना पड़ेगा कि 20 डेमा को हमने फाइनली निफ्टी पर रिक्लेम कर लिया और उसके ऊपर बंद हो गए। बैंक निफ्टी ने 6 अगस्त के पैनिक लो को रिविजिट किया, उसको डिफेंड किया और वहाँ से बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट भागा, तो बैंक निफ्टी ने भी एक डबल बॉटम के साइंस बनाए। और अब देखिए मार्केट के क्यूज़ भी थोड़े बेटर हो रहे हैं, क्रूड फिर $80 के नीचे आया है, और अगर वो वाकई में सीज़ फायर वाली कुछ अगर अनाउंसमेंट हो जाती है अगर, तो वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगी ग्लोबल मार्केट के लिए। S&P के लिए 2023 के बाद का सबसे अच्छा हफ्ता था, तो एक जो पहले हम गिरे थे ग्लोबल क्यूज़ की वजह से वो पूरा का पूरा रिवर्सल हुआ फ्राइडे को। और एक चीज़ हुई है, मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में मार्केट जो मर्जी मूव्स बनाए क्लोज देखिए, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे की क्लोजिंग ऑलरेडी 3rd highest क्लोज है निफ्टी की, इससे ऊपर निफ्टी सिर्फ 2 बार बंद हुआ है। 1 अगस्त को हम 25,010 पर बंद हुए थे और 2 अगस्त को हम 24,717 पर बंद हुए थे। उसके बाद ग्लोबल क्यूज बिगड़े थे, मार्केट गिरा था, हम 24,000 के भी नीचे आए थे, उसके बाद रिकवरी, लेकिन ये जो क्लोज है ये क्लोज 3rd highest क्लोज है, और तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मार्केट वापस एक बुलिश फ्रेम में आया है। इस मेरे पूरे थीसिस में अब एक ही रिस्क फैक्टर है, वो सेबी वाला मामला जो है, वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट वाला मामला है, उसमें कोई एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत चीज़ें लिख रहे हैं। मतलब मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपको पता नहीं है कि कब को कुछ को कुछ अगर होगा या नहीं होगा, वो एक रिस्क रहेगा, लेकिन ये रिस्क तो आपको स्टॉक मार्केट में लेने पड़ेंगे। इंडियन मार्केट इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट में, एक चीज़ जो हम बार बार कह रहे हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट में अच्छी और बुरी खबर जो भी आए उनके बीच में आप इन्वेस्टेड रहें और बुरी खबर में और ऐड करें तो बेस्ट होगा। हमने वो निफ्टी ETF के ट्रांचेस की बात की थी, मैं खुद 2 ही ट्रांच डाल पाया, बाकी 3 डली नहीं क्योंकि मार्केट को गिरा नहीं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको इन्वेस्टेड रहना है। और एक चीज़ क्योंकि शो की शुरुआत कर रहे हैं, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा फेस्टिवल जो सबके लिए खास है, खासतौर से जिनकी बहनें हैं उनके लिए तो बहुत खास, और सब बहनों के लिए तो खैर है ही सबसे खास ये फेस्टिवल,
और मेरी भी एक छोटी बहन है ऑब्वियसली, तो उसको मैं मिस करता हूँ राखी वाले दिन, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम राखी के जो स्टॉक पिक्स हैं वो भी ऐड करेंगे, रक्षाबंधन की एक सुरक्षा पिक्स वो भी आज शो में ऐड करेंगे। बढ़िया रहना है अगला एक घंटा जब मुनाफे की तैयारी करा रहे होंगे आपकी। यह है अपफ्रंट बाजार की बढ़िया सी कमेंट्री। हिंडनबर्ग वाला मामला ठंडा पड़ेगा नहीं। 22 अगस्त थर्सडे को कांग्रेस नेशन वाइड प्रोटेस्ट करना चाहती, मामले को ठंडा होने भी देना चाहती है। पॉलिटिकल तो है। हाँ, पॉलिटिकल तो है ही है। तो खैर ये सब है सरदार, थोड़े से निकलिंग वरीज, लेकिन क्या बढ़िया सेटअप, क्या बढ़िया मूव, ऐसे में क्या अप्रोच होगा आज के ट्रेडिंग सेशन का, इस पर डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो सेटअप बढ़िया हो रहा है, ग्लोब के समीकरण कितने सपोर्टिव है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आज के मंडे के मुनाफे की तैयारी की शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो, मुंबई से लाइव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, CNBC आवाज, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे मुनाफे की तैयारी की हेडलाइंस के साथ।